सो हे गाइज, मेरा नाम है साहिल और टेक बफी के एक और फाइनेंस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप ICICI बैंक की तरफ से दी जाने वाली पे लेटर सर्विस को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। पूरा लाइव प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जैसे कि आपको इस लोन के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहेगा। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इस लोन के लिए आपको क्या क्या फीस एंड चार्जेस देने होंगे। और गाइज, यदि आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और गाइज, इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाए। और आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। ICICI पे लेटर सर्विस को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। जैसे आप गूगल प्ले स्टोर को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको टाइप करना होगा आई मोबाइल, तो आपके इस तरीके से इस मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़र इंटरफेस आ जाता है। तो सबसे पहले आपको इस मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो गाइस, ये मोबाइल एप्लीकेशन ICICI बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। साथ ही आप इस मोबाइल एप्लीकेशन के डाउनलोड्स भी देख सकते हैं, 10 मिलियन से भी ज़्यादा इस मोबाइल एप्लीकेशन के डाउनलोड है। और इसे जो रेटिंग मिली है 4.4 रेटिंग भी मिली हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग भी मिली हुई है। इसके साथ ही आप इस मोबाइल एप्लीकेशन की सहायता से आप अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट आप अपना ओपन कर सकते हैं, और ये मोबाइल एप्लीकेशन की सहायता से आप अपना करंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। साथ ही इसकी सहायता से आपको रिवॉर्ड्स पॉइंट्स भी दिए जाते हैं, जिसकी सहायता से आप पैसे भी अर्न कर सकते हैं। साथ ही ये मोबाइल एप्लीकेशन आपको पे लेटर सर्विस ऑफर करती है, जिसकी सहायता से आप 60,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं। यदि आप लोन की रिपेमेंट समय पर करते हैं तो आपको 45 दिनों के लिए बिना ब्याज दर के लोन भी मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके साथ ही ये मोबाइल एप्लीकेशन आपको सुरक्षित तरीके से बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करने की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी सहायता से आप अपनी पर्सनल ज़रूरतों के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्टोर्स के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही आप शॉपिंग के लिए भी इस मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने मोबाइल में पे लेटर सर्विस को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको इसके फीचर्स भी बताने वाला हूँ। और गाइज, पे लेटर सर्विस एक्टिवेट करने से पहले आपको पता होना चाहिए जैसे कि आपको कितने फीस एंड चार्जेस देने होंगे, इसके अलावा आपको कितना इंटरेस्ट रेट देना होगा, कितनी प्रोसेसिंग फ़ी देनी होगी, आपको कितनी क्रेडिट लिमिट मिल सकती है। और ये सभी जानकारी जानने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम को ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स देखने को मिल जाता है। सबसे पहले आपको सर्च बॉक्स को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको टाइप करना होगा lonepay.com। lonepay.com को आप जैसे ही सर्च करेंगे गूगल क्रोम पे तो आपके सामने इस वेबसाइट का यूजर इंटरफेस इस तरीके से देखने को मिल जाता है। और गाइस, यहाँ पर आपको सबसे पहले इस वेबसाइट को ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर आपको 3 डॉट पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो गाइस, इस वेबसाइट पर आपको पर्सनल लोन, होम लोन, गोल्ड लोन, बिजनेस लोन, व्हीकल लोन और भी कई तरह के लोन एप्लीकेशन के बारे में रिव्यू दिया गया है। साथ ही यहाँ पर आपको पे लेटर लोन के बारे में भी बताया जाता है, क्रेडिट कार्ड के बारे में भी बताया जाता है। तो गाइस, आपको किसी प्रकार का यदि आप लोन लेना चाहते हैं तो गाइस, आपको इस वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करना चाहिए, जहाँ पर आपको सभी जानकारी बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद दी जाती है। तो गाइस, सबसे पहले आपको पे लेटर लोन को एक्टिवेट करने से पहले यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना होगा पे लेटर। जैसे आप पे लेटर करके सर्च करेंगे तो गाइस, यहाँ पर हमारी पोस्ट देखने को मिल जाती है, जहाँ पर हमने बताया है पे लेटर से आपको कैसे लोन मिलता है ICICI बैंक के द्वारा। तो यहाँ पर हमारी पोस्ट देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस पोस्ट को ओपन कर लेना है, तो आपको पोस्ट पे क्लिक कर लेना होगा। जैसे आप पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो गाइस, यहाँ पर हमने पूरा डिटेल में प्रोसेस आपको बताया है कैसे आपको ICICI बैंक पे लेटर लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है। पूरा सभी डिटेल में प्रोसेस बताया है, जैसे कि पे लेटर लोन क्या है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, आपको कितनी क्रेडिट लिमिट मिल सकती है, फीस एंड चार्जेस कितने लगेंगे, इसके आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। साथ ही हमने यहाँ पर यदि आपको किसी प्रकार की समस्या आती है तो यहाँ पर हमने कस्टमर केयर के नंबर भी दिए हुए हैं।
और गाइस यहाँ पर हमने बताया है कि यदि आप ICICI बैंक पे लेटर लोन को अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपकी कितनी एज होनी चाहिए, और यहाँ पर हमने आपके बेसिक्स डाउट्स भी क्लियर किए हैं। तो आप हमारी वेबसाइट loanpy.com को विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको पूरा प्रोसेस हिंदी भाषा में मिलता है। ICICI बैंक पे लेटर लोन को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपका ICICI बैंक में अकाउंट होना अनिवार्य है। इसके बाद आप अपने मोबाइल नंबर की सहायता से आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे और आई मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेने के बाद आपके सामने इस तरीके से यूज़र इंटरफेस आता है। आप अपने फिंगरप्रिंट की सहायता से इसको लॉगिन करेंगे। करने के बाद इस मोबाइल एप्लीकेशन का होम पेज इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको अकाउंट एंड डिपॉजिट सेक्शन देखने को मिल जाता है, जिसकी सहायता से आप अपना अकाउंट ओपन कर पाएंगे। तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको पे लेटर अकाउंट ओपन कर सकते हैं, पॉकेट वॉलेट ओपन कर सकते हैं, साथ ही यहाँ पर आपको PPF अकाउंट भी ओपन कर पाएंगे, करंट अकाउंट भी ओपन कर पाएंगे। अभी हम पे लेटर अकाउंट ओपन करने वाले, तो इस पर आप टैप करेंगे। यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको बताया जाता है कि इसके लिए आपको 3% का इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, और यदि आपका बिल जनरेट होता है 1 तारीख को तो आपको 15 तारीख को ड्यू डेट से पहले आपको इसकी रिपेमेंट करनी होगी। और यहाँ पर आपको बताया जाता है कैसे आपको यूज करना है, जैसे कि बिल पेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए कर सकते हैं, UPI ट्रांजेक्शन के लिए इसका यूज कर सकते हैं। इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको आई एग्री पर एक्सेप्ट कर लेना है, ओके करेंगे। यहाँ पर आपकी जो डिटेल है इस तरीके से देखने को मिल जाती है। इसके बाद आपको चेक कर लेना है आई एग्री ICICI बैंक टू डेबिट माई अबो, इस आइकन को आपको यहां पर आपको चेक कर लेना है, और इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट से ही आपकी डिटेल कैप्चर कर ली जाती है। यदि आप इस लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो यहाँ पर आपको क्रेडिट लिमिट मिल जाती है, और यदि नहीं होते तो आपको इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिल जाता है। क्योंकि गाइस ये मेरा अभी न्यू अकाउंट है, जिस वजह से अभी हमें कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं मिला। और गाइस आप हमें ज़रूर बताएं यदि आप इस लोन के लिए एलिजिबल हुए हो तो। गाइस इस तरीके से आप पे लेटर लोन के लिए आप बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, और यदि आप इस लोन की समय अनुसार रीपेमेंट करते हैं तो आपको 45 दिनों के लिए बिना किसी इंटरेस्ट रेट के इसका यूज़ कर पाएंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसके बारे में अधिक जानकारी जानने के लिए हमारी वेबसाइट loanpy.com को विजिट जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।